मेरा नाम कविता है। मैं आज आपके सामने बहुत ही सस्ता और बहुत ही टिकाऊ घरेलू नुस्खा प्रेजेंट करूंगी, जो आपके फेस को बहुत ग्लोइंग करेगा, त्वचा बहुत सॉफ्ट और मुलायम रहेगी, पिंपल्स की जो समस्याएं हैं उससे काफ़ी समाधान मिलेगा। कुछ हद तक अगर इसे आप महीने भर लगाते हैं तो आपकी जो पिंपल्स की समस्या होंगी वो बहुत छुटकारा मिल जाएगा। फिलहाल मैंने इस नुस्खे को अभी बहुत जल्दी लमसम हफ्ते भर हो गया है उसे मैंने अपनाया है, तो मुझे काफ़ी रिलैक्स महसूस हुआ है त्वचा से, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को तभी वो नुस्खा बताती हूँ जब मैं उसे खुद अपने ऊपर प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताती हूँ कि मैंने घरेलू नुस्खा में क्या क्या ट्रिक्स अपनाई है। करते हैं, आपको 2 चम्मच बेसन लेना पड़ेगा और 2 चम्मच दूध, वो भी कच्चा दूध लीजिए, और इसमें आप थोड़ा सा हनी मिला सकते हैं। हनी से आपकी त्वचा में काफ़ी सॉफ्टनेस आएगी, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपकी त्वचा को मुलायम रखता है वो है एलोवेरा। और जहाँ तक कि आप जानते हैं कि हल्दी हमारी त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक होती है, जो हमारी त्वचा में कीटाणु होता है, पिंपल्स जहाँ से होने की संभावना ज़्यादा रहती है, वो हल्दी उसको ख़त्म कर देती है, वो भी जड़ के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस घरेलू नुस्खा को बनाते हैं। आप जैसा कि पहले से ही हमने ले लिया है यहाँ पर 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच दूध डालते हैं, ठीक है। और हनी आप 2 बूंद डालिए, और आप थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में दोस्तों आपको हल्दी यूज नहीं करनी है, थोड़ी सी चुटकी पर हल्दी लीजिए, क्योंकि हल्दी गर्म होती है। और एलोवेरा ये मैंने घर से तोड़ा है, तो आप इसको यूं मत डालिएगा, आपको इसका बीज का जो गूदा होता है उसको निकालना ही, देखिए इसको आप ऐसे करके यूं इसमें मिलाइए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को घर में अवेलेबल हो जाती है और आसानी से मिल जाती है, आपको मार्केट भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने ऐसा नुस्खा कर रही हूँ कि जो आपको आसानी से घर में मिल जाए। बहुत सी महिलाएं हैं जो घर के बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, उनको प्रॉब्लम होती है कोई भी सामान लेने आने जाने में, तो वो अपने घर बैठे ही नुस्खा कर सकती हैं, ठीक है। अब आप इसे अच्छा से मिक्स कर लीजिए, ये लमसम मिक्स हो चुका है, ये देखिए अच्छा से, ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है इसमें। और दोस्तों, मैं आपको फेस पे अभी इतने नहीं लगाऊंगी, लेकिन आप इसको मैं यहाँ पर अपने हाथ पे लगा के आपको दिखाती हूँ। आप भी जरूर ट्राई करिएगा। ये लमसम आप आधे घंटे तक जरूर लगाइएगा, क्योंकि जब तक ये सूखेगा नहीं, आपकी त्वचा में पूरी तरीके से मिक्स नहीं होगा, तब तक आपकी त्वचा में ग्लोइंग नहीं आएगा। देखिए इसको आप ऐसे लगाइए, आप इसको तो अपने फेस पे ही नहीं, अपने अब देखिए ये पूरा हाथ में लग चुका है, और मैं इसे आधे घंटे के लिए ऐसे सूखने के लिए रखूंगी। चलिए दोस्तों, थोड़ी देर के बाद आपसे मिलती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे हल्के ठंडे पानी से धुल दिया है, और आप देख रहे हैं कि हमारी त्वचा कितनी सॉफ्ट और मुलायम लग रही है। देखिए कितनी स्मूथ आ गई, इसमें कितनी चमक आ गई है, आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखिए। तो आप इसे घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसानी से ट्राई कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सारा मटेरियल आपको घर पे मिल जाएगा, और आप अपनी त्वचा को ग्लोइंग और स्वस्थ। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, पसंद आई हो,
तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स लिखिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा लिंक है। आपको इस तरह की घरेलू टाइप से बहुत सी जो घर में आसानी से मिल जाए, आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े, वैसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको अगले हर तरीके से आपको अगले वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।